हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस की। क्या मतलब होता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का? इसको आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो सपोज हमारे पास एक ड्रग है ड्रग वन, और इस ड्रग वन को मैं दूसरी ड्रग ड्रग टू के साथ अपने शरीर में इंजेक्ट करवा रहा हूँ, और जब ये दवाई दोनों दवाई जब मेरे शरीर के अंदर पहुँचेगी तो ये ड्रग वन ड्रग टू के साथ इंटरेक्ट करेगी, कहां पर? शरीर के अंदर। और हो सकता है ड्रग टू भी ड्रग वन के साथ साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट करे, और इनके इंटरेक्शन से अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में चेंज आ जाए, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब ड्रग जो है कितने ड्यूरेशन तक हमारी बॉडी में एक्ट करती हैं उसका एक टाइम पीरियड होता है, अगर उस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का टाइम घट जाए या बढ़ जाए, चेंज आ जाए, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में क्या आ जाए, चेंज, या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन में अगर चेंज आ जाए, इसका मतलब होता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में अगर चेंज आ जाए, मतलब ये भी या तो घट जाए या बढ़ जाए, तो इस तरह के इंटरेक्शन को ही हम बोलते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। तो आइए अब समझते हैं कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो जब भी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होगा तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन से बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, या फिर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के हार्मफुल या एडवर्स इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो देखिए, अगर ड्रग ड्रग आपस में इंटरेक्ट करके शरीर के अंदर अगर बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोड्यूस करवा रही हैं तो इससे तो हमें कोई नुकसान नहीं है, ये तो हमारे लिए फायदे का काम हो गया। मगर अगर दो ड्रग आपस में शरीर के अंदर इंटरेक्ट करने के बाद अगर वो हार्मफुल या एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं तो ये इट्स ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, ये बड़ा गंभीर मैटर कंसर्न का हो जाता है। क्यों हो जाता है, आइए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट वाला। तो जैसे सपोज आपने एक ड्रग है जिसका नाम है ट्राइमेथोप्रिन, ये ट्राइमेथोप्रिन जो है ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। क्या है ये? एंटीबैक्टीरियल मतलब ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट। मगर ये जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है ये एक बैक्टीरिया को किल करता है एक मैकेनिज्म से, जिसको मैं बोल रहा हूँ मैकेनिज्म फर्स्ट। और एक और ड्रग है जिसका नाम है सल्फामिथोक्साज़ोल। ये एक सल्फोनामाइड कैटेगरी का ड्रग है और ये भी जो है एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट मतलब ये भी बैक्टीरिया को किल करता है, ये भी ड्रग को किल करता है मगर दूसरे मैकेनिज्म से। इसका मैकेनिज्म जो क्या है, मैकेनिज्म टू। अच्छा, दोनों ड्रग अगर अकेले अकेले अगर आप ले रहे हैं तो इनका इफेक्ट जो है अकेले अकेले इंडिविजुअल जो इनका इफेक्ट आता है वो आता है बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये रोक देती है, ये भी बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और ये भी बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब ये भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। मगर खास बात ये है कि अगर आप इन दोनों ड्रग को एक साथ अलग अलग टेबलेट के रूप में अगर इनको एक साथ खाते हैं तो ये दोनों ड्रग शरीर में जाकर के बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट को बदल देती है, किसमें? बैक्टेरिसाइडल इफेक्ट में। बैक्टेरिसाइडल इफेक्ट मतलब ये बैक्टीरिया को अब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगी नहीं, ये बैक्टीरिया को सीधे क्या कर देगी, किल कर देगी। तो आप देखिए, अगर आप अलग अलग इन दोनों दवाओं को खा रहे थे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ सिर्फ रुक रही थी, बैक्टीरिया मर नहीं रहा था, मगर जब आपने दोनों को एक साथ ले लिया तो ये दोनों शरीर में जाने के बाद बैक्टीरियसाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे, मतलब बैक्टीरिया को किल कर रही, तो ये तो हमारे लिए एक बेनिफिशियल इफेक्ट हो गया। और इसी चीज का फायदा उठाया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कंपनियों ने और उन्होंने इन दोनों ड्रग को एक ही टेबलेट में मिला दिया और एक ही टेबलेट में मिला करके एक ही कॉम्बिनेशन बना दिया, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कोट्राइमोक्साज़ोल, जो मार्केट में आजकल अवेलेबल है, कोट्राइमोक्साज़ोल। और इस कोट्राइमोक्साज़ोल में ये दोनों दवाएं मिली हुई हैं और इस टेबलेट का असर ये होता है कि ये बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से किल कर देती है, बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो आप देखें कि अगर हम इन दोनों को साथ में खाते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर दिक्कत होती है असल यहाँ पर हार्मफुल इफेक्ट में। इसका एग्जांपल देखते हैं, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे
कोई पेशेंट है जो वारफारिन खा रहा है। वारफारिन एक एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब होता है ये ब्लड के थक्के को जमने से रोकती है, मतलब एक तरीके से कहें कि ये भी क्या है, ब्लड थिनर, ब्लड को पतला कर रही है, ब्लड थिनर। अब मान लो ये जो पेशेंट है जो वारफारिन खा रहा है, इसको समहाउ सिर में दर्द उठना शुरू हुआ, तो इसने सिर में दर्द को खत्म करने के लिए एक और ड्रग ले ली, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है, तो ये कह सकते हैं कि ये एक एनएसआईडी है। तो एनएसआईडी जो ड्रग होती है वो दर्द को या फीवर को या इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, तो इसने सिर दर्द को कम करने के लिए एस्पिरिन की एक टेबलेट खा ली, किसके साथ, वारफारिन के साथ। अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एस्पिरिन का इफेक्ट जो है वो एनएसआईडी वाला इफेक्ट तो होते होता है, बट इसका एक और इफेक्ट होता है कि ये खुद भी ब्लड थिनर है। क्या है, ब्लड थिनर, मतलब ये भी ब्लड को पतला करती है। अब आप देखें कि इस पेशेंट ने गलती से वारफारिन के साथ अगर एस्पिरिन खा लिया है, तो ये दोनों ड्रग ब्लड को जाकर के ब्लड को बहुत ज्यादा, मतलब यूं कहें कि ब्लड बिकम्स मोर थिनर, बहुत ज्यादा ब्लड आपका क्या हो जाता है, पतला। और वो इतना पतला हो जाता है कि वो ब्लड में वेसल को क्रॉस करके टिश्यू में रिसने लगता है, तो ब्लड जो है वो बॉडी के टिश्यू में जाने लगता है। और मान लो अगर ये ब्लड जो है आपके ब्रेन की जो ब्लड वेसल है उसमें से निकल करके ब्रेन के अंदर चले जाता है, तो आपको मालूम है ब्रेन के अंदर अगर ब्लड जाके डिपॉजिट होगा तो आपको क्या हो सकता है, ब्रेन हिमरेज। ब्रेन हिमरेज हुआ नहीं कि आप कोमा में गए नहीं, और कोमा में गए और फिर उसके बाद अगर ज्यादा सीवियर हो गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसका मतलब गलती से वारफारिन के साथ एस्पिरिन को खाने से आपका ब्लड इतना पतला होगा कि आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और ब्रेन हिमरेज और डेथ भी हो सकती है। तो ये जो है दो ड्रग का बहुत ही एडवर्स और हार्मफुल इफेक्ट है। तो ऐसे इफेक्ट जो है वो हमारे शरीर में नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम एक ही रास्ता जो है अपना सकते हैं, वो ये है कि हम कोई भी मेडिसिन अगर हम खाते हैं तो हम डॉक्टर की पहले सलाह लेकर के उसके बाद ही खाएं। कौन सी दवा किसके साथ लेनी है, किसके साथ नहीं लेनी है, इसका इफेक्ट आप और हम नहीं समझ सकते, ये डॉक्टर ही हमें सही से बता सकता है। तो यहाँ फिनिश होता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का बेसिक कंसेप्ट। ये इसके बाद हम पार्ट टू में इसके और भी जो डिफरेंट ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के मैकेनिज्म है वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।